हेलो बच्चों, मैं हरीश मटपाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ज्ञान सागर मटपाल चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं एक्सरसाइज 10.3 नाइन्थ क्लास एनसीईआरटी मैथ्स। इस एक्सरसाइज में बच्चों हमें तीन क्वेश्चंस गिवन हैं, तो एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि आप जो है दो सर्कल्स ड्रॉ करो और बताओ कि कितने उसमें कॉमन पॉइंट हैं और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कॉमन पॉइंट्स कितने हो सकते हैं। तो ऐसे में देखें अगर हम, तो पहला केस अगर हम देखें तो पहले केस में हमने दो सर्कल ड्रॉ किए, तो दोनों सर्कल पहला केस कि एक दूसरे को टच और इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, दोनों सर्कल सेपरेट हैं। जब दोनों सर्कल सेपरेट हैं तो ऐसे में हमें जो कॉमन पॉइंट्स नजर आया, पहले केस में कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं है, कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं है, ठीक है। जब दो सर्कल एक दूसरे को टच नहीं करते, इंटरसेक्ट नहीं करते, तो कॉमन पॉइंट्स है ही नहीं। अब अगर हम दूसरा केस देखें तो दूसरे केस में हमने क्या किया कि दो सर्कल जो ड्रॉ किए वो दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। जैसे हमने पहला सर्कल ड्रॉ किया, फिर इसी को टच करता हुआ दूसरा सर्कल हमने ड्रॉ किया। अब यहां पे अगर हम कॉमन पॉइंट्स देखें तो कॉमन पॉइंट हमें यहां पे एक ही नजर आ रहा है, P। तो हम यहां पे लिखेंगे कि इस केस में जो कॉमन पॉइंट है वो एक ही है, जब दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों तीसरा केस। तीसरे केस में हमने क्या किया, दो सर्कल जो ड्रॉ किए हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक सर्कल दूसरे सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है। ऐसे केस में जब हम कॉमन पॉइंट्स देखते हैं तो हमें दो कॉमन पॉइंट नजर आते हैं, एक कॉमन पॉइंट ए है और दूसरा कॉमन पॉइंट बी है। तो दोनों सर्कल एक दूसरे को ए और बी पॉइंट पे काट रहे हैं, तो ऐसे में जो कॉमन पॉइंट है बच्चों वो दो कॉमन पॉइंट्स हैं। कितने कॉमन पॉइंट है? दो। अब तीनों केस में मैक्सिमम, सो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कॉमन पॉइंट जो हमें नजर आ रहा है वो मैक्सिमम जो कॉमन पॉइंट्स है बच्चों वो है R2। तो ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक सर्कल गिवन है, उस सर्कल का हमें सेंटर बताना है। माना कि हमने कंपास से सर्कल ड्रॉ नहीं किया, हमने एक चूड़ी लेके एक कड़ा लेके एक सर्कल हमने ड्रॉ किया है। अब उस सर्कल का सेंटर कैसे पता करेंगे? तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम स्टेप लिखें तो सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। अब उस सर्कल में हम देखें अगर, तो पहला स्टेप हमने सर्कल में तीन पॉइंट ले लिए, टेक 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी। तो ये तीन पॉइंट हमने लिए, पॉइंट ए सर्कल पे, दूसरा पॉइंट हमने लिया बी और तीसरा पॉइंट हमने लिया बच्चों सी। अब हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। तो जॉइन ए बी एंड बी सी। तो हमने ए पॉइंट से बी को मिलाया और बी पॉइंट से सी को मिलाया, ठीक है। अब इसके बाद हमें ए बी पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें ड्रॉ करना है। जो ए बी है कॉर्ड, उस पे हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग? सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों, ए पॉइंट पे कंपास रखा और ए बी में आधे से ज्यादा हमने कंपास को ओपन किया। एक ड्रॉ हमने आर्क ऊपर लगाया और एक आर्क हमने बच्चों नीचे लगाया। फिर बी पॉइंट से उसी आर्क को हमने कट कर दिया और जब हमने
इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिलाया तो ये हमारी लाइन जो आई, इस लाइन का नाम है क्यू पी। तो ये पी क्यू जो है, अगर हम देखें पी क्यू, तीसरा स्टेप अगर हम लिखें तो तीसरे स्टेप में जो पी क्यू है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया ए बी पे, ठीक है। तो पी क्यू परपेंडिकुलर डाला ए बी पे और पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर, इस तरीके से हमें स्टेप लिखना है, स्टॉप स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हमें लिखना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ठीक है। चौथे स्टेप में हमें जो बी सी है, बी सी उस पे भी हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो बी पे कंपास रखा, एक आर्क हमने ऊपर लगाया, एक आर्क नीचे, आधे से ज्यादा लेना है। फिर सी पॉइंट से हमने उसी आर्क को काट दिया और जब हमने इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिलाया तो दोनों पॉइंटों को आपस में मिलाने से एस आर लाइन बी सी पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो इसी को हम लिखेंगे। चौथे स्टेप में हमने एस आर जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। तो बीसी पर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया। अब दोनों बाइसेक्टर जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों बाइसेक्टर एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करते हैं बच्चों, वो हमारा सेंटर है। तो इस प्रकार से इसमें अगर हम देखें इस सर्कल में, तो पांचवे स्टेप में हमने लिखा कि जो ओ है, ओ पॉइंट जो है जहां पे दोनों बाइसेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं बच्चों, वो ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमें क्वेश्चन नंबर टू को सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें जो गिवन है वो दो सर्कल्स हमें गिवन है, ठीक है। कितने सर्कल गिवन है? दो, और दोनों सर्कल्स एक दूसरे को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक सर्कल ये रहा और दूसरा सर्कल ये रहा। तो दोनों के दोनों सर्कल एक दूसरे को दो पॉइंट्स पे काट रहे हैं। दो पॉइंट्स पे देखें जैसे, तो दोनों सर्कल ने एक दूसरे को दो पॉइंट पे काटा। एक पॉइंट का नाम हमने दे दिया ए और दूसरे पॉइंट का नाम दे दिया बी, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें कि हमें जो गिवन है, हमें टू सर्कल्स गिवन है जो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। टू सर्कल्स दे रखे हैं और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? टू सर्कल्स, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट ए एंड बी। तो ए और बी यहां पे कॉमन पॉइंट्स हैं, ठीक है। और जब हम ए और बी को मिलाएंगे तो एक कॉमन कॉर्ड यहां पे आएगा। अब देखते हैं हम लोग, हमने एक लाइन ड्रॉ करी इस तरीके से, लाइन जो है। अब इसके बाद हमें क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ। टू प्रूफ में हमें यह प्रूफ करना है कि अगर हम दोनों सर्कल के सेंटर, जैसे पहला सर्कल का सेंटर हम मान लेते हैं ओ, पहले सेंटर का सर्कल हमने ओ मान लिया और दूसरे सर्कल का सेंटर बच्चों हमने डी मान लिया। तो यहां पे पहला सर्कल का सेंटर ओ और दूसरे सर्कल का सेंटर बच्चों हमने डी मान लिया। अगर हम दोनों सर्कल के सेंटर को आपस में मिला दें तो हमें ये प्रूफ करना है कि दोनों सर्कल के सेंटर को जब आप आपस में मिलाओगे तो वो आएगा ओ डी। तो हमें प्रूफ करना है बच्चों कि ओ डी परपेंडिकुलर है, ओ डी परपेंडिकुलर है, वो भी बाइसेक्टर
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड। यहाँ पे कॉमन कॉर्ड कौन है भाई? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो अगर दो सर्कल जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर उनके सेंटर आपस में मिला दें, तो मिलाने से लाइन आ गई ओडी। तो हमें प्रूव करना है कि ओडी कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड कौन से हैं? ए बी, ये कॉमन कॉर्ड, इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये हमें प्रूव करना है। तो जहां पे दोनों कॉमन कॉर्ड और दोनों के सेंटर मिलाने से जो लाइन आई है, वो एक दूसरे को जहां पे कट कर रहा है बच्चों, उसको हम मान लेते हैं सी पॉइंट। उसको हमने क्या मान लिया? सी पॉइंट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, यहां पे हमने सी पॉइंट ले लिया। तो यहां पे थोड़ा सा हमने कंस्ट्रक्शन किया है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है? ज्वाइन करना है ओ ए, ओ से ए को ज्वाइन करना है। ठीक है, फिर उसके बाद ए डी, ए से डी को ज्वाइन करना है। फिर ओ बी, ओ से बी को ज्वाइन करना है। फिर बच्चों बी डी एंड बी डी, फिर बी से डी को ज्वाइन करना है। इस तरीके से हमें ये ग्राफ बनाना है। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। तो देखते हैं हम लोग किस तरीके से इसको प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम बच्चों क्या करते हैं, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो कॉन्ग्रेंसी के रूल आपको याद होने चाहिए। हमने दो ट्राइंगल ले लिया ए ओ डी एंड ट्राइंगल ले लिया बी ओ डी। तो आपको ग्राफ में देखना है अच्छी तरह, ए ओ डी और बी ओ डी पे ध्यान देना है। देखो बच्चों, ए ओ डी ऊपर ये ट्राइंगल ले लिया और नीचे बी ओ और डी ये ट्राइंगल ले लिया। अब हम ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें ओ ए, ओ ए एरा जो पहले सर्कल का रेडियस है, और फिर हमने ले लिया नीचे वाले ट्राइंगल में ओ बी, पहले दो पार्ट। तो अगर हम नीचे देखें ओ बी, तो ये दोनों बराबर हैं। बराबर क्यों है भाई? ये एक ही सर्कल के रेडाई हैं, ये एक ही सर्कल के रेडियस हैं, तो ये बराबर होंगे, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। उसी प्रकार से डी ए, अगर हम देखें डी ए दूसरे सर्कल का रेडियस है डी ए, और नीचे वाले ट्रायंगल में बच्चों डी बी, इसका भी सेम रीजन है क्योंकि ये एक ही सर्कल के दोनों रेडियस हैं। डी ए दूसरे सर्कल का रेडियस है, डी बी दूसरे सर्कल का रेडियस है, तो दो पार्ट मिल गए हमको। ओ डी और ओ डी अगर हम देखें, ओ डी और ओ डी बच्चों यहां पे अगर हम देखें तो ये कॉमन है, ओ डी और ओ डी यहां पे कॉमन है। तो इस प्रकार से अगर हमने यहां पे जो ए ओ डी है और जो ट्राइंगल है बी ओ डी, इसको हमने बच्चों क्या प्रूफ कर दिया, ए ओ डी और बी ओ डी को हमने कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया बाय एस एस एस, ट्रिपल एस के अनुसार ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो बाई सी पी सी टी इनका हर पार्ट बराबर है, ऊपर वाले का एंगल वन और नीचे वाले में एंगल टू। तो बच्चों यहाँ पे एंगल वन और एंगल टू दोनों बराबर हैं बाई सीपीसीटी। तो सीपीसीटी से एंगल वन और टू दोनों बराबर हो गए। अब हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल दोबारा हमने लेने हैं। अब हमने ट्राइंगल ले लिया ओ ए सी, ध्यान से देखें ओ ए सी ये वाला ट्राइंगल एंड ओ बी सी, ट्राइंगल ओ बी सी ये दूसरा ट्राइंगल जो हमने ओ बी सी लिया है, इसे हमें कॉन्ग्रेंट दिखाना है ओ ए सी के। तो दिखाते हैं हम लोग, सबसे पहले ओ ए और ओ बी बराबर है भाई। ओ ए और ओ बी क्यों बराबर है? वही कारण, रेडाई ऑफ द सेम सर्कल,
ये एक ही सर्कल के रेडियस है, और एक ही सर्कल के रेडियस बराबर होते हैं बच्चों, एक ही रेडियस के सर्कल बराबर होते हैं। उसी प्रकार से ओसी और ओसी कॉमन है, तो इसका रीजन हमने लिख दिया कि ओसी और ओसी कॉमन है, और एंगल वन और एंगल टू ये हमने प्रूव कर दिया था कि एंगल वन और एंगल टू बराबर है, पहले अर्लियर प्रूव, ये पहले प्रूव हो चुका है। तो जब दो साइड और उनके बीच का एंगल ओ ए ओ सी, उनके बीच का एंगल वन, ओ सी ओ बी बीच का एंगल टू, तो बच्चों यहां पे ट्राइंगल ओ ए सी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ओ बी सी के, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट, तो कॉन्ग्रेंट तो बच्चों एंगल थ्री बाइसिपिसिटी एंगल थ्री और एंगल फोर भी बराबर होगा। इसका रीजन है एस ए एस से हमने ये प्रूव कर दिया, तो एंगल थ्री और एंगल फोर भी बराबर हैं बाई सीपीसीटी, तो सीपीसीटी से एंगल थ्री और एंगल फोर भी हमने इक्वल दिखा दिया, दोनों को हमने एक्स मान लिया। अब बच्चों एंगल थ्री और एंगल फोर दोनों का जोड़ 180 होगा, क्योंकि लीनियर पेयर एक सीधी लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं उनका जोड़ 180 होता है, ठीक है, लीनियर रीजन आ जाएगा। तो एंगल थ्री और फोर को हमने क्या माना था बच्चों, एक्स और एक्स, ठीक है, एक्स और एक्स हमारे क्या हो गए, दो एक्स, फिर एक्स यही रहेगा, तो इस प्रकार ये एक्स जो एंगल वन और टू है, सॉरी एंगल थ्री और फोर है, इसी को तो हमने एक्स माना था, ये दोनों हमारे 90 निकल गए। तो बच्चों ये हमारा प्रूव हो गया कि जो ओ डी है, क्योंकि 90 आ गया ना, ओ डी परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यही तो हमें प्रूव करना था कि दो सर्कल जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं अगर उनके सेंटर मिला दें ओ डी तो वो कॉमन कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, तो AC और BC बराबर है क्योंकि बाइसिपिसिटी। तो इस तरीके से बच्चों हमें ये सवाल करना है।